क्या रोमन रेंस एक्सट्रीम रूल्स में बॉबी लैशली के खिलाफ हारने वाले हैं? क्या ये न्यूज पक्की है? जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। गाइस, बिग डॉग रोमन रेंस जो कि 15 जुलाई को होने वाली एक्सट्रीम रूल्स के अंदर फाइट करने वाले हैं बॉबी लैशली के खिलाफ, ये एक सिंगल्स मैच है। लेकिन दोस्तों, यहां खबर ये आ रही है कि इस पीपीवी के अंदर वो हार जाएंगे और इसमें बॉबी लैशली अपनी जीत का झंडा लहराएंगे। तो गाइस, आज ये न्यूज ब्रोक हुई है जिसके अंदर रोमन रेंस को एक्सट्रीम रूल्स के अंदर एक लूजर बताया जा रहा है, जहां दोस्तों बॉबी लैशली को फेस करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मल्टी मैन मैच होने वाला था एक्सट्रीम रूल्स के अंदर, जो कि कैंसल कर दिया गया, जिसका रीजन बताया गया कि ब्रॉक लेसनर नहीं चाहते इस मैच को और उनके कॉन्ट्रैक्ट के साथ कुछ प्रॉब्लम है। हालांकि दोस्तों, अंदर की बात तो ये है कि ब्रॉक लेसनर को कुछ भी लेना देना नहीं है WWE की बुकिंग से। यहां दोस्तों ये विंस मैकमैन का फैसला था, तो दोस्तों आप ब्रॉक लेसनर को यहां जिम्मेदार मत मानिए। लेकिन दोस्तों, अब बात की जाए कि असली मामला ये क्या है, क्या वाकई में रोमन रेंस हारने वाले हैं कि नहीं। तो गाइज, आज रिंग साइड न्यूज के ब्रायन अल्वारेस के अनुसार यहां रोमन रेंस को ऐसे तरीके से बुक किया जाएगा कि ऑडियंस उनके फेवर में हो जाए। ये दोस्तों विंस मैकमैन का एक फॉर्मूला, या फिर दोस्तों आप कह ले बुकिंग, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एक आइडिया है। तो गाइज, यहां क्या चल रहा है विंस मैकमैन के दिमाग में, मैं आपको बताता हूं। दरअसल विंस मैकमैन चाहते हैं कि रोमन रेंस को ऑडियंस का सपोर्ट मिले, लेकिन दोस्तों वो मिल नहीं रहा है। लेकिन यहां एक्सट्रीम रूल्स के अंदर अगर वो बॉबी लैशली से हारते हैं, एक बुरी हार, एक ऐसी हार जो कि एक तरफा हो, जैसे कि आपने कई बार देखी होगी जॉन सीना की भी हुई है, जिसके बाद उन्हें काफी बड़ा सपोर्ट भी मिला है पास्ट के अंदर। जैसे कि जब उनकी फ्यूड थी ब्रॉक लेसनर के खिलाफ, आपको याद ही होगा एक तरफा जीत हुई थी ब्रॉक लेसनर की। वैसी ही दोस्तों यहां विंस मैकमैन बुक करना चाहते हैं रोमन रेंस को, जहां वो बॉबी लैशली से हार जाएंगे। एक तगड़ी हार होगी उनकी दोस्तों, जहां पूरे डोमिनेट दिखेंगे मैच के अंदर बॉबी लैशली और जीत जाएंगे बॉबी लैशली, रोमन रेंस हार जाएंगे और उसके बाद शायद ऑडियंस का सपोर्ट उन्हें मिले। जहां दोस्तों ये भी हो सकता है कि हमें एक्सट्रीम रूल्स के अंदर बॉबी लैशली एज ए हील देखने को मिले, मैच के बीच में वो हील की तरह रिएक्ट करने लगे, और दोस्तों अगर यहां रोमन रेंस की हार होती है तो शायद उन्हें ऑडियंस का सपोर्ट मिले, ऐसा मानना है विंस मैकमैन का। और उसके बाद उनकी फ्यूड कंटिन्यू ही रहेगी समर स्लैम के अंत तक। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, समर स्लैम के अंदर रोमन रेंस जीतेंगे और उसके बाद सारा का सारा मोमेंटम उनके साथ होगा और फिर वो फेस कर सकते हैं ब्रॉक लेसनर को इन द पेपर व्यू ऑफ हेल इन अ सेल या फिर दोस्तों सर्वाइवर सीरीज। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि ब्रॉक लेसनर शायद समर स्लैम में नहीं लड़ेंगे। तो गाइज, ये पूरी की पूरी स्टोरी लाइन चल रही है विंस मैकमैन के दिमाग में। अगर आप मुझसे पूछे दोस्तों, मुझे नहीं लगता इससे फिर से ओवर होने वाले हैं रोमन रेंस, और ये उनके बाकी के आइडियाज की तरफ फ्लॉप रहने वाला है। गाइज, अब आप क्या सोचते हैं इस पूरे टॉपिक के ऊपर, क्या रोमन रेंस की हार होनी चाहिए इस पीपीवी के अंदर, या फिर उन्हें जीतना चाहिए और सीधा सीधा दावेदारी ठोकनी चाहिए यूनिवर्सल टाइटल के लिए? अपना अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में देना मत भूले। वेल, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।